सम्मानित ऑफिशियल के साथ मई समय अतिथि परिचय की बांधगी एक बड़ा मुकाबला मेजबान अटावला ढोल लगाड़ू के साथ स्वागत और हौसला अफजाई समय चीफ गेस्ट के द्वारा एक यादगार छाया चित्र पूर्व डहार बनाम मेजबान अटावला खेल शुरू इसी के साथ तीन नंबर दर्शक से नवीन चले हैं पहली रेड लेकर देखते हैं डार की शुरुआत कैसी रहती है मेजबान अटावला के सामने राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर टच पॉइंट इस समय सीने के आसपास हाथ बढ़ाया लेकिन शायद सुरक्षित हैं जी हाँ इधर से देखिए बड़े रेड राहुल राहुल पहली रेड से सफल है शायद अच्छा प्रयास किया पहुंचने की कोशिश की थी हाथ आगे बढ़ाते हुए और अर्जित भी किया एक शून्य से आ गए इसमें मेजबान अटावला तो आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन अटावला की पावन पवित्र धरा सोनीपत हरियाणा से गजानंद तमाम कबड्डी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इधर से भी पहला पॉइंट एक एक से स्कोर इस समय सदी भी शुरुआत अजय को साहब प्लीज मैच शुरू करें प्लीज और अगली टीम में जैसे कि सोनू को साहब ने अनाउंस की है प्लीज जल्द से जल्द में आती रहिए और फिर मैं आपको ले चलता हूँ आपका अपना स्थानीय मैच चल रहा है खामोशी वापस लाते हैं अटावला बनाम डहार मेजबान टीम है जबकि एक पड़ोसी गांव हिमांशु नवीन से यहां डुबकी लगाकर दो पॉइंट अर्जित किए प्रदीप नरवाल की याद दिला दी स्कोर में भी चाप गया तीन स्कोर बढ़ता हुआ डहार का इस वक्त जबकि मेजबान अटावला एक और लीजिए राहुल फिर से सफल तीन दो का स्कोर राहुल का और स्टेज पर राजमान जीत रहे हमारे अतिथिगण बैठे और माननीय हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुरु का जो अवार्ड है महाचार्य अवार्ड भी तेजी से आगे बढ़ते हुए कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे प्रयास किया भी और यहाँ उछाल करेश हो गया विमान उड़ान भरी मगर पकड़ मजबूत थी स्कोर लेवल देखे तीन तीन से राहुल फिर से चले हैं अटावला वापस मैच में 10 की तादाद बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी को किशन कुमार जी हुड्डा और उनके ऐसा कर रहे हैं परी देसाल जो हमारे कबड्डी के प्रधान हैं और श्री मनोज एचडीएफसी बैंक के हेड हैं हमारे छह साल इसी दिन में बताते हैं और श्री पूरी मेरी देसाल परिवार नवीन एक बार फिर और हिंदुस्तान के आसमान शान छह के डिफेंस में स्कोर लेवल है हमारे तो के और यहाँ लीजिए बहुत बेहतरीन टेकल हवा में जरूर छलांग लगाई लेकिन मजबूत पकड़ सिस्टम नहीं भाई जो भी लाएगा ओपन खाना भाई बाहर से आए जितने मेहमान हैं दर्शक साथी हैं खाना सभी के लिए नवीन एक बार फिर और भाई मेरे साथी राजेश के मिले डहार एक की बढ़त पे फिर और ये लीजिए दूसरा अंक और बढ़त का राहुल सोच रहे हैं आगे 5-3 का स्कोर 2 अंक की लीड करता हुआ मेजबान के सामने डहार और
ये नीचे बड़ी रेड हो सकती थी लेकिन धक्का देकर बाहर निकल दिया। अच्छा कार्य किया, एक एक अंक दोनों को। एक डिफेंडर भी बाहर चले गए थे। तीन के डिफेंस यानी सुपर टेकल फायदा उठाना चाहेंगे, कहीं लेने की देने ना पड़ जाए और पकड़े गए। जी हाँ, दो अंक गंवा दिए। दबाव में वापस खाली हाथी तुषांत, चार का डिफेंस सुपर टेकल से बाहर आ गया। निकाल लिया अटावला ने, चार नंबर की सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया। मुश्किलें बढ़ती पॉइंट चाहिए हर हाल में, इकलौते सामना नहीं कर पाएंगे। फिर काटे का मुकाबला, मान सम्मान का मुकाबला, एक पहचान का। और यहाँ चारों दिशाओं से घेर लिया, इसी के साथ ऑल आउट मेजबान अटावला। 11 पे पहुंचता हुआ इसी के साथ, जबकि अटावला 4 अंक पीछे। नवीन 3 नंबर में मेजबान के ऊपर पटन बनाने में अब तक कामयाब रहा। का स्वागत कर हमारे गांव के बड़े दानवीर राहुल दीपक मलिक जी, साथ में उनके तेजवीर हुड्डा और लॉबी में विदेश में भेजते हैं जिन भी पॉइंट है रोजगार के लिए। बालाजी इमिग्रेशन मतलोटा दीपक मलिक अशोक देशवाल से संपर्क करें और अपने बच्चों को विदेश में भेजें। दीपक मलिक का एंगल होल्ड कॉर्नर पे और शानदार टेकल की बदौलत है मेजबान को एक अंक। अशोक देशवाल जी के उनका भी स्वागत है हमारे अटावला वापसी की कोशिश में। हुड्डा साहब का स्वागत है साथ में आए साथ और वापसी कुछ हद तक की भी अब सिर्फ एक अंक पीछे स्वागत है। हाई अंकों में पहुंच गया है, दूसरे बच्चों के साथ विदेश में जाते थे जबकि 11 पे है। उनको देखते हुए दीपक मलिक और अशोक देशवाल ने मतलोटा के अंदर सेंटर खोला रहे हैं। इनके द्वारा हमारे गांव के भी बहुत से बच्चे विदेश में जाके सफल हुए हैं और इनके मार्गदर्शन से और देख बैक होल्ड बहुत मजबूत हुआ, विदेश में जाने वाले कमाल कर दिया। वापस मैच में अटावला मेजबान और जैसे सब्स्टिट्यूट गोल्डी को अंदर लिया मैच का नक्शा बदल गया है। सुपर टेकल और अंक यहां राहुल और मेजबान को। बारह देखिए स्कोर लेवल, कभी चिलमन से हम जाके, कभी चिलमन से वो जाके, लगा दो आग चिलमन में वो जाके ले हम जाके। एंगल होल्ड देखे फिर से और अब बढ़त पे मेजबान एक बार फिर से ऑल आउट का खतरा, लेकिन नाम रमन है और सामने एक और यहाँ पर ढार के ऊपर ऑल आउट का खतरा, हाथ मजबूती से पकड़ा लेकिन यहाँ ऑल आउट के साथ ही हाफ टाइम का समय। सेकंड हाफ, पहले हाफ में 4 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब रहा मेजबान अटावला, इसलिए जयपाल जी देशवाल खुश हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ बड़ी रेड हो सकती थी लेकिन तालमेल कमाल कर गया इस मेजबान का। 17 पे पहुंचता हुआ अटावला जबकि डहार 12, 5 अंक की मजबूत ले 10-10 का मुकाबला सेकंड हाफ। लगातार अपनी सेवाएं दी,
अनेकों बार हरियाणा पुलिस को गोपी में जाने से बचे। अच्छा नियंत्रण संघर्ष कड़ा है, इसीलिए तो 11 नंबर में अड़ा लगातार देख रहे हैं। सेफ कम बैक कबड्डी लीग का हिस्सा बना बने रहते हैं। दोनों दिल्ली के भी कोच रहे देवेंद्र पेंट भाई, एक बार भाई दैया साहब गर्मी पाल जी को सम्मानित करें। गोल्डी देखते हैं। भारत वर्ष का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है गुरु का द्रोणाचार्य अवार्ड, उससे भारतीय सरकार ने इनको सम्मानित करने का काम किया। गोल्डी सेफ। और इस बार आपको तेलुगु टाइटल्स के कोच के रूप में नजर आएंगे, जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग है प्रो कबड्डी लीग। धन्यवाद। ये बिल्कुल ये मान सम्मान कंटिन्यू चलता हुआ और के डिफेंस में नवीन वापस ग्राउंड पे बहुत अच्छा की बढ़त है। अटावला के पास यहाँ पर हरे वापिस हिमांशु गोल्डी ही आगे बढ़ रहे हैं। चार नंबर गोल्डी से आने से अटावला की तरफ से गोल्डी का मैच में मोड़ आया और उसके बाद बढ़त बनाई, ऑल आउट भी किया। काफी मजबूत का काठी गोल्डी रेड पर है चार नंबर की जर्सी में और पब्लिक पांव से पांव छूने की कोशिश और देखते हैं यहाँ बड़ी रेड 2 पॉइंट गोल्डी की सुनहरी रेड थर्ड रेड अटावला लीड पर है। यहाँ पर अटावला देखिए पहुंचता हुआ 19 मेजबान स्पोर्टर अभी देखे दर्शक दिन का और ये देखे लाजवाब थाई हॉल एक और बैक टू बैक अंक थोड़ा कमजोर साबित होता है। एक बार फिर ढार अटावला के सामने चार का डिफेंस का फुटबॉल देखने को मिल रहा है बेहतरीन। सेफ कम बैक नवीन चले हैं ढार की तरफ से हिमांशु और एक बार हिमांशु है संभवतः लेकिन जर्सी पे नवीन लिखा है जाएंगे हम। और ये लीजिए बेहतरीन ब्लॉक क्या हुआ उतनी ही मजबूत पकड़ और टावला इस समय अठेलिया करता हुआ जीत के लिए। फिर 7 नंबर चले हैं रेड पर सुनील जी देसवाल संदीप जी देसवाल जयपाल जी देसवाल अटावला गांव की टीम जीती तमाम 500 रुपए से उनका मेजबान यहां पे सम्मान करते हैं प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं टीम बढ़त की ओर है और थाई होड़ देखिए पहुंच गए ये बड़ी रेड ऑल आउट इसी के साथ 5 पॉइंट आएंगे मेजबान को अब तक की सबसे बड़ी रेड 5 पॉइंट दूसरी बार ऑल आउट किया है। मलिक 1100 रुपए से टीम का मान सम्मान बढ़ाते हैं भाई मलिक साहब का तहे दिल से धन्यवाद जी। देखिए इधर सर सतीश जी से और यहां पे लीजिए पूरी फॉर्म में है मेजबान 26 पे पहुंचता हुआ जबकि 13 पे अटका हुआ ढार यानी जितना स्कोर उतनी बढ़त है मेजबान के पास और अब वापसी करना बेहद कठिन होगा क्योंकि सेकेंड हाफ का खेल लेकिन इधर से पकड़ बेहद मजबूत और बड़ी देर से एक अंक और संदीप राणा सर को इस टूर्नामेंट दबाव में दिखने लगा है ढार और अपना कीमती समय निकाल के पहुंचे। देखते हैं 3 नंबर से फिर से पॉइंट की लालसा और ब्रेक के बाद फिर क्या कार्यशाला है तो फिर कोशिश फिर रेड यहाँ पर और यहाँ मिल गया पॉइंट एक जल्दबाजी मत कीजिए आप रेड पर आए हैं 7 नंबर की जर्सी में अटावला की तरफ से राहुल है रेड पर काफी मजबूत नरेंद्र मैदान नंबर 2 पर जो मैच चल रहा है इसका हाफ टाइम हो चुका है इसका स्कोर बताएं एक बार इसका मध्यांतर का स्कोर में बिल्कुल कड़ा मुकाबला है सोनू गोछा इसका छोटे भाई 15-16 आई थिंक ये हो सकता है 16-16 बाएं कॉर्नर से दाएं कॉर्नर इसमें स्कोर है 15 अटावला मोनी हटवाला सेफ का मोनी हटवाला 15 और नोटा बड़क पर है अंतिम 5 एक की बड़क कुछ नहीं होती दोनों को जरूर नौजोश के साथ ही मैच आगे लड़ना होगा यहां पर स्थानीय टीम का मैच है और 3 नंबर की जर्सी से रेड यहां पर लगा रहे हैं और ये देखे एंगल हॉल झूम बराबर झूम नच बली है मेजबान दर्शक पूरे स्वभाव में है अच्छी फॉर्म से गुजरता हुआ इसमें मेजबान अटावला और मजबूत बढ़त बनाई है समय लगभग 4 मिनट का जीत के करीब जाता हुआ अगर 1.5 मिनट का खेल ऐसे ही आगे बिता दिया बड़ी खुशी फिर वापसी की संभावना है लगभग नामुमकिन होंगे। इमिग्रेशन के ओनर 1,31,000 रुपए का इनाम देते भाई इस कमेटी को मलिक साहब का तहे दिल से धन्यवाद एक बार ताली बजाओ मलिक साहब के लिए और अशोक देसवाल के लिए दोनों भाइयों ने अपनी बहुत ही नेक कमाई से इतनी बड़ी धनराशि इस कमेटी और यहां देखे बहुत बेहतरीन टैकल बहा भेज दिया अच्छा नियंत्रण एक अंक फिर से मेजबान को होल्डी
रखे वाइस कैरेट गोल्ड करते रहे और उनके सामने डहार ठीक है आपने भगवान समय बिताने की चाहत होगी या फिर ललचाना चाहेंगे पांच का डिफेंस मजबूत लीड और लगभग जीत की तैयारियां पूरी और ये देखिए कितना विश्वास पहुंच गए समझ रहे अरे वाह भाई वाह अकेले ने ही चित्त कर दिया शाहरुख खान ने का सहयोग करते हैं सुपर टेकर अमित का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रभु उपहार की बौछार प्रार्थना करते हैं मलिक साहब द्वारा 1,31,000 रुपए का बच्चों को विदेश भेजने का तोहफा शैल पावटे खिलाड़ी मुश्किलें बढ़ते हुए और ये अच्छे से अच्छे डहार के सामने बहता हुआ दिखाई दे रहा है विदेश में एक अंक फिर से कार्य करने के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध करा सके मैं पुनः फिर इन अपने छोटे भाइयों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक करीब जाता हुआ अभिनंदन और ये जैंगल हॉल्ड लाजवाब धन्यवाद और बड़ा अच्छा लगता है दानी से करके तीन बार पहले और ये लीजिए एक बार फिर ऑल आउट किया है मेजबान ने डहार को इसी के साथ खेल समाप्त और यह मुकाबला मेजबान अटावला ने जीत लिया बड़े अंतर से डहार ने सिर्फ 15 का स्कोर किया जबकि मेजबान अटावला 35 यानी 20 पॉइंट के अंतर से यहां जीत का मजा चखा शुक्रिया।